नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 3 के विषय गणित के अध्याय 6 गुणा भाग 2 के भाग 3 पर आज हम बात करेंगे, जिसके सीखने के प्रतिफल है M306 भाग के तथ्यों को बराबर समूह में बांटने और बारंबार घटाने की प्रक्रिया के रूप में समझते हैं। बच्चों, आपको याद होगा हमने भाग 2 पर जो है 3 अंकों वाली संख्या जिसमें हासिल वाला गुना पर बात किए थे, जिसमें हम 136 का गुना 7 से किए थे, है ना, जिसमें हम पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, अलग अलग 3 चरण में हमने उस सवाल को हल किया था। उसी प्रकार हमने 84 का भाग 7 से, ये हम खुली तीली और बंडल तीली से हमने इसको करके देखा था कि किस प्रकार तीलियों की मदद से हम उस भाग को करके देखा था। तो बच्चों, आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आज हम 3 अंकों का जो है भाग यहाँ पर सीखेंगे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, आज बच्चों हम 639 का भाग 3 से करेंगे, जिसमें हम लोग 3 अंकों वाली संख्या का भाग करना सीखेंगे। तो बच्चों, इसमें देखिए आप 639 में जो सैकड़ा है 6, तो सबसे पहले हम उसको भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 3 से। तो हमको पहाड़ा 3 का ऐसे पढ़ना है कि 6 से ज़्यादा ना हो। तो पढ़ते हैं, चलो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो कितना आया? 6। और भागफल कितना आया? 2। तो 2 को हम ऊपर लिखेंगे और 6 को 6 के नीचे में लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम घटाएंगे। तो 6 में 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा दूसरे चरण में क्या करेंगे, अब अगला क्रम क्या है? 3 जो है क्या है? दहाई। तो दहाई जो 3 है उसको हम लोग पहले नीचे उतारेंगे, उसके बाद फिर हम 3 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे। कितने बार पढ़ेंगे? 3 एकम 3। तो यहाँ पर हम 3 का पहाड़ा एक बार पढ़े तो आया 3 एकम 3। अब इसको हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 3 को 3 से घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0। तो हम देख रहे हैं कि हमारा भागफल में पहले हम 3 दूना 6 किए, उसके बाद हम 3 एकम 3 किए। अब इतना करने के बाद हमारे पास एक संख्या और बचा है, वो कौन सी संख्या है? इकाई वाली संख्या, जिसमें है 9। अब हम 9 को भाग देंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9। तो आया कितना भागफल में? 3। अब 9 को 9 से घटाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमारा शेष बचेगा 0। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर हमको क्या क्या प्राप्त हुआ। हमारी जो भाज्य संख्या थी वो 639, और जो भाजक 3, और इनको भाग देने पर हमको जो भागफल प्राप्त हुआ वो है 213। तो बच्चों, आपके पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 87 पे कुछ इस प्रकार के अभ्यास के सवाल है, जिसको कि आप अपने बड़ों की मदद से, अपने घर में और शिक्षकों की मदद से इसको करेंगे। तो बच्चों, अभी हमने भाग सवाल यहाँ पर करके देखे और इस पर अपनी समझ बनाई। अब इबारती प्रश्न की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इबारती प्रश्न का मतलब, हम जो है अपने दैनिक जीवन में जो भी क्रियाएं करते हैं और जिसको कि हम उसको समाधान के रूप में, यदि हम उसको एक सवाल के रूप में लेते हैं तो उनको ही हम इबारती प्रश्न कहते हैं। तो आइए एक घटनाक्रम देखते हैं जिसमें आपको आपकी एक समझ बनेगी। एक दिन क्या होता है, संध्या के पिताजी रंगीन पेंसिल के 5 पैकेट लाते हैं। तो वो किन के लिए लाते हैं? संध्या, साक्षी और शशांक के लिए। तो शशांक बोलते हैं, पिताजी पैकेट खोलकर पेंसिल को बांटिए। तो पिताजी पेंसिल खोलते हैं और जब खोलते हैं तो एक पैकेट में 3 पेंसिलें थी। कितनी पेंसिलें? 3। तो उसको देख के साक्षी बोलती है, एक पैकेट में जब 3 पेंसिल है तो इन 5 पैकेटों में कुल कितनी पेंसिल? 15 पेंसिल होगी। तो इस प्रकार से साक्षी जवाब देती है। तो पिताजी क्या बोलते हैं, ये तुमने कैसे किया? तो साक्षी ने उसका जवाब दिया, ये तो बहुत ही आसान है, 3 में 5 का गुना किया तो 3 पंचे 15 हुआ। इस प्रकार से उन्होंने जवाब दिया। फिर संध्या ने कहा, पिताजी हम इन 15 पेंसिलों को बांटे तो हर एक को 5 पेंसिल मिलेगी। पिताजी ने कहा,
अच्छा, ये बात तुम कैसे कह सकती हो? तो संध्या ने इसको विस्तार पूर्वक बताया कि वो बोलती है, अब हम 15 पेंसिलों को 3 लोगों में बांटना है हमको। तो यहाँ 3 लोग हैं, कौन कौन है? संध्या, साक्षी और शशांक। अब ये 3 लोगों को मैं बांटना है, तो 15 को 3 से भाग दी, 3 × 5 = 15। इस प्रकार प्रत्येक को 5-5 पेंसिलें मिली। तो पिताजी बोलते हैं, वाह बेटा, ये तो आपने सही बताया। अब शशांक जो है उनके दिमाग में भी कुछ चल रहा था, तो वो अपना उत्तर इस प्रकार बताए। वो कैसे बताया कि जो 15 पेंसिलें थी उसको जो है एक एक को जब 5 पेंसिल मिल रही है तो हम उसको भाग देंगे 5 × 15। तो इस प्रकार जो है एक पैकेट में 3 पेंसिलें थी, ये इस प्रकार जो है शशांक बता रहा है। तो कुल मिला के हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो 15 पेंसिलें थी उसको एक एक को 5-5 पेंसिलें मिली, और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक पैकेट में जो है 3 पेंसिलें थी। अब हम देखते हैं, तो यहाँ पर शशांक ने अपनी बातों को इस प्रकार रखा, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 पेंसिल हैं और 5 पैकेट है, तो 3 × 5 = 15। अब उसी प्रकार हम देख रहे हैं कि 5 पैकेट हैं और 3 पेंसिलें हैं, तो 5 × 15, कुल दोनों में 15 आया। अब हम देखते हैं कि 15 पेंसिल को यदि हम 3 लोगों में बांटते हैं तो कितना आया? 5, 3 × 5 = 15। अब उसी प्रकार हम 15 जो पेंसिलें हैं वो हमारे पास पैकेट कितने हैं? 5। तो इस प्रकार हम भाग देंगे तो कितना आया? 3, क्योंकि हमारे एक पैकेट में कितनी पेंसिलें थी? 3। तो इस प्रकार जो है शशांक ने अपनी पूरी बात रखी। तो बच्चों, आपने अभी देखा कि हम इबारती प्रश्न जो है इस प्रकार से अपनी समझ उसमें बनाएंगे और उस प्रकार हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे। अब बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सवाल है जिसको आपको यहाँ पर करना है। जैसे कि आप पहला सवाल देख रहे हैं, 6 × 4 से, तो 6 × 4 करेंगे तो 6 × 4 = 24। उसी प्रकार नीचे में आप देख रहे हैं कि 24 को 6 से भाग दे रहे हैं, तो हम 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 6 × 6 = 6, 6 × 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24। और आगे जो खाली बॉक्स है जिसको कि आपको क्रमशः इसी प्रकार करते चले जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक आपको भाग जो है ग्रिड रूप में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें सबसे बीच में आप देख रहे हैं सेंटर में, यहाँ पर आपको भाग 9 लिखा हुआ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 9। तो इसका मतलब यह है कि हम 9 से ही सारे संख्या को, कौन से संख्या जिसमें लिखा है आपको देखो, 72, 45, 54, 18, 81, 36, 63 और 27, इन सभी संख्याओं को आपको कितने से भाग देना है? 9 से भाग देना है। तो चलो बच्चों, करके देखते हैं इसको। पहले हम 72 को भाग देते हैं 9 से, तो 9 × 9 = 18, 9 × 3 = 36, 9 × 6 = 35, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, 9 × 8 = 72। तो हमारा उत्तर कितना आया? 9 × 8 = 72 = 8। हमारा भागफल आया 8। तो इसी प्रकार से ग्रिड वाले भाग जो है आपको आपके पाठ्य पुस्तक पर और दिया गया है, जिसको कि आपको घर में अपने बड़ों की मदद से बनाना है। तो आइए बच्चों, अब आगे चलते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर अब हम एक आपके पाठ्य पुस्तक में दिया है, खाली स्थान भरो, जिस पर हम अपनी समझ बनाएंगे। यहाँ पर आपको 35 को 5 से भाग देना है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि कैसे भाग देंगे इसको हम। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 35 से ज़्यादा ना हो। तो पढ़ के देखते हैं इसको। 5 × 5, 5 × 10, 5 × 15, 5 × 20, 5 × 25, 5 × 25, 5 × 35, 5 × 37, 35। तो इस प्रकार हमको भागफल प्राप्त हुआ 7 जो है। आगे हम देखते हैं इसी क्रम में कि हमको पहला जो बॉक्स है वो खाली दिखाई पड़ रहा है, और उसको हमको 5 से जब हम गुना किए हैं तो हमको प्राप्त हुआ है 35। तो हमको क्या करना है यहाँ पर? हमको गुण्य प्राप्त करना है। गुण्य आप लोग जानते हैं ना, इसके ऊपर हमने पिछले भाग में बात किया हुआ था। तो अब हम कैसे प्राप्त करेंगे इसको? तो सबसे पहले इसको हमको क्या करना पड़ेगा, जो 35 जो हमारा भाग फैलाया है उसको हमको 5 से भाग देना पड़ेगा, तो अब हमको गुण्य प्राप्त होगा। तो इसको कैसे करेंगे? 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 × 5, 5 × 10, 5 × 15, 5 × 20, 5 × 25, 5 × 25, 5 × 30, 5 × 7 =
35, तो हमको गुण्य क्या प्राप्त हुआ, 7। तो बच्चों यहाँ पर हम दो सवाल यहाँ पर करके देखें, बाकी सवाल जो आपके पाठ्यपुस्तक में और दिया गया है, जिसको कि आपको आपके घर में बड़ों की मदद से करना है। तो आओ बच्चों यहाँ पर हम एक सवाल जो है मौखिक रूप से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि एक कक्षा में 7 बेंच है, कितने बेंच है, 7। तो और हर एक बेंच में 3 लड़कियाँ बैठी हुई हैं, कितनी लड़कियाँ बैठी हैं, 3। अब यहाँ क्या करना है कि बताओ कक्षा में कुल कितनी लड़कियाँ बैठी हैं। तो हमको बताना है कि उन 7 बेंच में कितनी लड़कियाँ बैठी हुई है। तो आइए हम इसको करके देखते हैं। पहले बेंच में 3 लड़कियाँ, दूसरे बेंच में फिर 3 लड़कियाँ, तो कितनी हो गई, 6 लड़कियाँ। तीसरे बेंच में फिर 3 लड़कियाँ, तो कितनी हो गई, 3 3 6 3 9 लड़कियाँ। उसी प्रकार चौथे बेंच में फिर 3 लड़कियाँ, तो क्या होगा, 3 3 6 3 9 3 12। इस प्रकार 12 लड़कियाँ हुई। अब पाँचवें बेंच में चलते हैं, तो पाँचवें बेंच में फिर 3 लड़कियाँ हैं, तो क्या होगा, 3 3 6 3 9 3 12 3 15। तो इस प्रकार हम पाँचवें बेंच में हमारे कितनी लड़कियाँ आई, 15। अब हम छठे बेंच में चलते हैं, छठे बेंच में फिर 3 लड़कियाँ हैं, तो करके देखते हैं इसको, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 लड़कियाँ। अब इसी प्रकार सातवें बेंच में फिर 3 लड़कियाँ हैं, तो आइए इसको करके देखते हैं, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 और 3 21। तो इस प्रकार हम सभी को क्या करते गए हैं, बार बार जोड़ते गए हैं। तो इस प्रकार बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, गुना कहते हैं। तो इस सवाल में हम यहाँ पर हम गुना की समझ बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर आपस में गुना करेंगे, और गुना करने पर हमको मालूम होगा कि 7 बेंच में कुल 21 लड़कियाँ बैठी हुई हैं। तो बच्चों अभी हमने एक सवाल जो है गुना का यहाँ पर करके देखा, बाकी सवाल आपके पाठ्यपुस्तक पर दिया गया है, जिसको कि आप अपने घर में अपने बड़े भाई बहन की मदद से या अपने पालक की मदद से आप लोग घर में करेंगे। अब आइए हम एक और सवाल यहाँ पर देखते हैं, इबारती प्रश्न, जिसमें कि 100 रुपये के एक नोट के बदले 10 रुपये के कितने नोट मिलेंगे। तो बच्चों आप लोग 100 रुपये के नोट तो देखे ही होंगे, जी देखे है ना, उसी प्रकार 10 रुपये के नोट भी देखे होंगे। तो हम आइए हम 100 रुपये के नोट में 10 रुपये के कितने नोट मिलेंगे, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 10 रुपये के जो है कितने नोट होंगे, तब 100 रुपये बनेंगे। तो हम देखते हैं 10 रुपये के 10 नोट मिलाएंगे, तब वो 100 रुपये बनते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये कैसे हुआ। तो 100 रुपये का हमारे पास नोट है, उसमें से हम पहला 10 रुपया उसमें से घटाएंगे, तो हमारे पास कितना बचा, 90 रुपया। अब उसी प्रकार हम दूसरे 10 रुपये को घटाएंगे, तो हमारे पास कितना बचा, 80 रुपया। अब हम तीसरे 10 रुपये के नोट को घटाएंगे, तो हमारे पास कितना बचा, 70 रुपया। उसी क्रम में हम चौथे 10 रुपये को घटाएंगे, तो हमारे पास कितना बचा, 60 रुपया। तो इसी क्रम में हम पाँचवें 10 रुपये को घटाएंगे, तो हमारे पास कितना बचा, 50 रुपया। तो इसी क्रम में हम अगले फिर 10 रुपये को घटाएंगे, तो हमारे पास बचा 40 रुपया। फिर हम 10 रुपये के नोट को घटाएंगे, तो हमारे पास कितना बचा, 30 रुपया। फिर हम 10 रुपये को घटाएंगे, तो हमारे पास बचा 20 रुपया। फिर हम 10 रुपये को घटाएंगे, तो कितना बचेगा, 10 रुपया। फिर हम 10 रुपये को घटाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा, कुछ नहीं। तो इस प्रकार हम 10 रुपये को बार बार हम 10 बार घटाए, कितने बार घटाए, 10 बार, तब हमको जो है हमारा 100 रुपये का जो नोट है वो 10 बराबर भागों में बढ़ गया। तो इस प्रकार बार बार घटाने की प्रक्रिया को ही हम भाग कहते हैं। तो आइए बच्चों अब आपके पाठ्यपुस्तक में इसी प्रकार के कुछ और सवाल दिए हैं, जिसको कि आप अपने घर में बड़ों की मदद से करेंगे। तो बच्चों आज हमने 3 अंकों वाले भाग के सवाल पर अपनी समझ बनाई, साथ ही इबारती प्रश्न जो कि गुना और भाग से संबंधित था, जो कि हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है, और जो हमारे दैनिक जीवन से जो समस्याएं होती हैं उसको हम किस प्रकार हम हल करेंगे, इस पर भी अपनी समझ बनाई। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है
अपने दैनिक जीवन की जो इस प्रकार की समस्याएं हैं उसको हल करने में सक्षम होंगे। हमने गुणा और भाग भाग दो के अंतिम भाग पे आज अपनी समझ बनाई। तो इस प्रकार यह हमारा गुणा भाग भाग दो का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। तो अगली क्लास में हम फिर एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे। नमस्कार।